सरल में कितने अक्षर हैं? बोलो ना, कितने हैं? बोलो ना, तीन। कौन कौन? सा, रा और ला, यही है ना सरल? हाँ जी या ना जी? पहला अक्षर कौन सा है? सा से होता है सीता। दूसरा अक्षर क्या है? रा से होता है राम। तीसरा अक्षर क्या है? ला। ला से होता है लक्ष्मण। सीता, राम, लक्ष्मण ही सरल हैं। कौन सरल है? सीता, राम, लक्ष्मण, ये तीनों ही सरल हैं। जो सरल हो जाता वो सीता, राम, लक्ष्मण को पा जाता। सीता कौन? भक्ति। राम कौन? भगवान। लक्ष्मण जी कौन? सेवक। तीनों भाव आ जाते हैं, भक्त हृदय हो जाता, फिर उस हृदय में भगवान बैठ जाते और तन और मन भगवान की सेवा के लिए लक्ष्मण बन जाता। इसलिए जो सरल हो जाता वो सीता, राम, लक्ष्मण को पा जाता। इसलिए मेरे पागलो, आज की राम कथा शुरू करने के पहले क्या सीखा तुमने? क्या हो जाओ? बोलो ना, विनम्र हो जाओ, सरल हो जाओ, एकदम स्वाद बन जाओ, एकदम बहुत मीठे बन जाओ। सरलता में बहुत थोड़े दिनों के लिए तुम्हें कष्ट होगा, दुनिया तुम्हारे ऊपर टंट कसेगी, थोड़ा कुछ बोलेगी, कोई दिक्कत नहीं, तुम मौन हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उनको तुम इग्नोर कर दो। फिर एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें मानने लगेंगे, वो तुम्हें झुकने लगेंगे। तो क्या बनो? बोलो ना, सरल बनो। कौन कौन चाहता कि हमारा घर में शांति रहे, सुख शांति चाहते ना? पुरुष तो उठाएंगे ही, वरना बिल्ला चिमटा तो इन्हीं को लगना है। तुम जरूर हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता घर में शांति रहे? चाहते हो ना? तो एक काम करो, सरल हो जाओ। क्या हो जाओ? सरल हो जाओ। और सरल होना है ना तो राम जी की कथा सुनो। किसकी कथा? खूब राम जी की कथा। आज हम आपको बताएं, दमोह में जहां कथा हो रही ना, अब ये दमोह नहीं, अब ये अयोध्या हो गया है। 9 दिन के लिए अयोध्या हो गया। क्या अद्भुत नजारा है देखो तुम, जहां देखो वहां पागल नजर आ रहे, जहां नजर जाए वहां पागल। रास्ते में आओ तो पागल, गाड़ी से आते हैं तो रास्ते में सब खड़े बड़े भाव पूर्वक। कितनी अद्भुत श्रद्धा है, कितना अद्भुत आपका प्रेम है, कितनी अद्भुत भगवान के प्रति आपकी निष्ठा है। ईश्वर करें ये कभी आपकी जिंदगी में कम ना हो, कभी कम ना हो, सदा बढ़े, सदा जिंदगी में। लेकिन भैया हम फिर कहेंगे, तुम सरल हो जाओ, बात बात पर लड़ो मत, ईगो में मत कुप्पा जैसे फूले रहो। लोग पूछेंगे तभी मैं ऐसा करूं, तभी मैं आऊंगा, तभी मैं जाऊंगा। अरे पूछने में मत पड़ो, कई बार बिना पूछे करो। भगवान का काम में माफ करिएगा, सनातन की रक्षा के लिए, आवाहन के लिए निमंत्रण नहीं देना पड़ता है। जिसके अंदर जमीर होता है वो खुद ब खुद चला आता है। हाँ चलेगा। बच्चों को भी रामायण पढ़ाओ, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम, 2 चौपाइयां, 3 चौपाइयां, 5 चौपाई पढ़ाओ। पढ़ाओगे तो बच्चे भी ना बड़े बुद्धिमान बनेंगे, बड़े तेजवान बनेंगे, बड़े ज्ञानवान बने। अब आप लोग अपने बच्चों को दिन ना रात ढिसमू ढिसमू दिखा रहे हो, एकदम फिल्में दिखा रहे हो, बच्चे भी नचैया बनेंगे। तो वो भी ठुमका लगाते हैं बच्चे भी। हाँ अभी कहते महाराज हमारो बच्चा तो बिगड़ गो, वो दिन ना रात नाच तो रहे तो ठटरी के बरे, अब फिल्में दिखाइए तो नचेगा नहीं क्या करेगा। रामायण पढ़वाते तो वो रामायण में पढ़ता क्या? प्रात काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नाम। आप बालक को रामायण पढ़वाते तो बच्चे ये पढ़ते, तो वो बच्चे भी
प्रातः काल माता पिता को प्रणाम करते हैं। अब तुमने ढिस्कू ढिस्कू देवरानी जिठानी दिखाई टीवीओ में सीरियल में, वही घर घर में देवरानी जिठानी मची। जहां देखो तहां मची, जो देखेगा वही तो बोलेगा बच्चा, वही तो करेगा, जो देखेगा वैसे ही तो बच्चा होगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है रामायण पढ़वाओ छोटे बच्चों को जो संस्कार। आज 25 तारीख है, कितनी तारीख है, और आज के दिन कई हिंदू शहरों वाले हिंदू गिफ्ट लेने के लिए भेज देते हैं। अरे पागल, कभी रामनवमी आए तो बच्चों को राम मंदिर में स्तुति करने भी भेजा करो। हनुमान जन्मोत्सव आवे तो हनुमान चालीसा पढ़ने भी तो भेजा करो। लेकिन नहीं, ये बोल दो, हम ये बातें बोल देते हैं तो लोग कहते हैं आप बड़े कट्टरवादी हो, आप भड़काऊ भाषण देते हो, आप तो दंगा कराने की स्थिति बना देते हो। तेरी ठटरी है? अरे अपने धर्म के लिए बोलना, हमने क्या खाक बुरा किया, क्या खाक बुरा कर रहे? आज हमारे वो बच्चे बैठ गए, कहां गए अध्यक्ष जी, कहां गए संतुलाल, बैठे हैं जिन्होंने आज घर वापसी की, आ गए ना वो, हाँ कहां पर है, हाथ उठाओ ना, है? अच्छा रस्ते में आ जाने दो। तो वो आज जैसे जो वो 150-200 लोग हैं वो वापस आ गए, हमने क्या बुरा किया, हमने नहीं कहा, उन्हें लगा कि हमें वापस आना चाहिए, वो आ गए, स्वागत है, क्या बुराई है, क्या गलत है और क्या ये बेकार है? नहीं, हम तो कहेंगे हर कथा व्यासपीठ से सनातन एकता की बात, हर घर से हिंदू एकता की बात उठनी चाहिए। ये काम व्यासपीठ से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। तो अपने बच्चों को क्या पढ़वाओ बोलो ना। तो रामायण कौन कौन लेकर आया है आज, 4-5, वाह वाह वाह, बहुत बात मानते हो आप हमारी, दिल खोल कर बात मानते हो, 6-7 लोग मानेंगे, वाह वाह, बाकी तो सब हनुमान जी के पूरे हैं, बहुत अच्छा है। चलो भैया जैसे हो वैसे ठीक हो, आए तो सही, यही बहुत है।